नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बज मीडिया में। दोस्तों, WhatsApp ने 5 फरवरी को अपनी नई पॉलिसी लोगों को भेजना शुरू कर दिया है। साथ ही पूरी दुनिया में WhatsApp की नई पॉलिसी को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। अगर आपको WhatsApp की नई पॉलिसी के बारे में नहीं पता है तो यहाँ जानिए क्या है शर्तें और क्यों उठ रहे हैं सवाल। WhatsApp के नए टर्म एंड कंडीशन में साफ लिखा है कि कंपनी आपका डिवाइस आईडी, यूजर आईडी, फोन नंबर, ईमेल आईडी, सभी कॉन्टैक्ट्स जैसी अहम जानकारियां लेगा। प्राप्त जानकारी के मुताबिक WhatsApp आपके मोबाइल से होने वाली लेन देन की भी जानकारी लेगा। नई शर्तों के तहत WhatsApp आपके मोबाइल से पेमेंट इन्फो, परचेस हिस्ट्री और एडवर्टाइजिंग डाटा लेगा। नई पॉलिसी के तहत WhatsApp आपके फोन से होने वाली बातचीत भी रिकॉर्ड कर सकता है। कंपनी ने साफ कहा है कि फोन से होने वाली ऑडियो और वीडियो कॉल्स को रिकॉर्ड किया जाएगा। WhatsApp ने एक शर्त ये भी जोड़ी है कि ऐप आपके फोन की लोकेशन लेता रहेगा, यानी आप कहीं भी रहेंगे WhatsApp आपको ट्रैक करता रहेगा। WhatsApp ने अपनी नई शर्तों में कहा है कि आपके मोबाइल से ली जाने वाली सारी जानकारियां Facebook और Instagram के साथ शेयर की जाएंगी। जानकारों को कहना है कि अगर WhatsApp की जानकारियां Facebook और Instagram से शेयर की गई, तो आपकी प्राइवेसी को ज्यादा खतरा है। मसलन आपके फोन से ली गई लेन देन की जानकारी के हिसाब से Facebook आपको ज्यादा से ज्यादा एड्स दिखाएगा। इसके अलावा Instagram में भी इसी डेटा के हिसाब से ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स बेचने की कोशिश की जाएगी। जी हाँ, ये सच है कि WhatsApp यूज करने के लिए इन शर्तों को मानना ही होगा। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं दिया गया है। कंपनी ने साफ संकेत दिया है कि जो नई पॉलिसी को नहीं मानेगा वो WhatsApp का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। नहीं मानने वालों के पास इस मैसेजिंग ऐप को बंद करने के अलावा कोई चारा नहीं है। अगर आपके पास WhatsApp की ओर से नई पॉलिसी का नोटिफिकेशन आ गया है तो आपको इसे एक्सेप्ट करना होगा। यूजर्स को फिलहाल एक्सेप्ट लेटर का ऑप्शन भी दिया गया है, लेकिन WhatsApp ने इन शर्तों को मानने के लिए 8 फरवरी तक का समय दिया है। 8 फरवरी के बाद पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं करने वाले इस ऐप का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, WhatsApp की इस नई पॉलिसी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें।